कसम खाकर कहते हैं, अपनी चुनावी लड़ाई जीतने के बाद आजादगंज भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा और उस संविधान में तुम्हारे जैसे और इमली जैसे पापियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और वो दिन आते ही हम अपने लोगों को तुम्हारी और अपनी मानसिक बंधुआगिरी से आजादी दिलवा कर रहेंगे और वो दिन दूर नहीं जब हमारी जीत का डंका बजेगा और तुम दोनों जगह जगह अपना मुंह छुपाते फिरोगे। तुम्हारे अंत की गाथा हम लिख चुके हैं, बस उस समय का इंतजार है जब आजाद गंज को हम आजाद करवा देंगे और उस दिन सही मायने में आजाद गंज अपनी आजादी का जश्न मनाएगा। और उस जश्न की शुरुआत चकोर की मूर्ति पर पड़ी बेड़ियां टूटने से होगी। हाँ छगन, हम एक एक बंधुआगिरी की जंजीरों को तोड़ कर रख देंगे और इस आजाद भारत में किसी को भी किसी इंसान को बंधुआ बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं। भारत माता की जय। कोरिया, हमका सच में तुझ पर बहुत गर्व है, मगर बचवा हमरा शक सही निकला ना। हाँ सूरज ही तो का भगा कर लेके गया था ना, ले गया तो का भगा कर। हम उका नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी सूरज को। माई, सूरज की कोई गलती नहीं। सूरज तो अपने होश में ही नहीं है। सूरज है कहा और उसने चकोर को अभी तक मारा क्यों नहीं? क्यों? अभी उसे ढूंढ निकालते हैं और वही गोली मारेंगे साले। नहीं रणविजय जी, रुकिए, रुकिए आप। रणविजय जी, आप ऐसा कछु नहीं करेंगे, सुन रहे हैं ना आप? हमका सूरज जिंदा चाहिए। हम जानते थे कि वो चकोर आसानी से नहीं मरे वाली, मगर ये बखत शांति से सोचने का है, ना कि गुस्सा करने का। ये बखत हम ये जानना चाहते कि वो चकोर सूरज के चंगुल से बच के कैसे निकले। मुझे जानना चाहते कहीं वो दोनों के बीच में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही। अब सुन रहे ना, आपसे बात कर रणविजय जी। रणविजय जी, हमारी बात सुने, हमका सूरज जिंदा चाहिए, ये हमारा आदेश है। खाले बचवा, पेट भर के खाले। न जाने सूरज बाबू ने तुका ठीक से खाना भी दिया होगा कि नहीं, पता नहीं तुझे तुझे कैसे रखा होगा वहां। जब हम कहीं पता चला ना कि सूरज बाबू तुका मारने के लिए लेकर गए, तो मेरी जान ही निकल गई रे। हम डाक बाबा से बहुत प्रार्थना किए रहे, बहुत प्रार्थना किए रहे कि मेरी चकोरिया वापस आई जाए, और तू आ गई। चली जाओ आजादगंज से, बस्ती से, गांव से, और वापस मत आना। चली जाओ। भाई, सूरज हमें मारने के लिए ले गया था, लेकिन भगवान की लीला भी कितनी निराली होती है। जो हमें मारना चाहता था उसी ने हमें छोड़ दिया। सूरज, सूरज, मालिक, मालिक, सूरज मिल गया, जल्दी आइए मालिक, इस तरफ। भाई, सूरज बदल रहा है, हमने उसके अंदर बदलाव देखा है। भाई, उसकी आंखों में देखा है हमने,
हमारा वो पुराना सूरज, वो अभी भी जिंदा है उसके अंदर, पूरी तरह से मरा नहीं है वो। और माई, उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे तपते हुए पत्थर पर ठंडे पानी की बूंदे गिर रही हो। माई, अगर भगवान ने चाहा तो हमारे सूरज को सब कुछ वापस याद आ सकता है। और इमली और रणविजय की राक्षस मंडली के खिलाफ लड़ने में वो हमारा साथ दे सकता है। चकुरिया, हम भी यही चाहते हैं कि सूरज बाबू ये लड़ाई में हमारा साथ दे। और सच कहें तो हमको नहीं लगा था कि सूरज बाबू ये लड़ाई में हमारा साथ देंगे। सूरज बाबू ने तुझको छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम सब लोगों के साथ इस लड़ाई में खड़े हुए हैं। हाँ, चलन बिल्कुल ठीक बोला था चकोरिया। अच्छा, हमारी बात सुन, तू सूरज बाबू से ना अब ज्यादा उम्मीद नहीं रख। अच्छा, अगर फिर से सूरज बाबू तोरा मन तोड़ दिए ना तो तुझको बहुत बुरा लगे फिर। माई, हमारा मन कहता है कि हम सूरज की याददाश्त वापस ला सकते हैं माई। और अगर इस काम में आप सब हमारा साथ देंगे तो हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी गलती करके अब तक जिंदा है। अरे हमारे डर से मरा नहीं अब तक। हमसे डर भी नहीं लगाते जा। अब बता, चकोर को जिंदा क्यों छोड़ा? बोल जी। खुपड़िया उड़ा दे ये, बोल। अरे बोल। मालिक मालिक, इमली देवी का फोन था, उन्होंने सूरज को जिंदा हवेली में लाने का आदेश दिया। अबे, उन्हें पता कैसे चला कि ये मिल गया? बोल। नमक हराम। ठीक है, खोलो सर, लेके चलो इमली देवी के दरबार में। क्या ये भी कोई कहे की बात है? हम सब मिलके प्रयास करिए कि सूरज बाबू की याददाश्त वापस आ जाए। और अगर सूरज बाबू की याददाश्त वापस आ गई तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकत है? हाँ हाँ, काहे नहीं चकोरिया, जैसा तू ठीक समझे वैसे भी हम सबन सदा तोरे संग। हाँ चकोरिया दीदी, हम भी बहुत ही खुश है कि भगवान ने तुका एक आशा की किरण दिखाई दी जिसके प्रकाश में तू अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाई सकत है। पर जब तक सूरज भैया की याददाश्त लाने की कोशिश करे हम सबन का चौकन्ना रहेगा। पड़ी है राखी से मंडली वालों का ध्यान तुम दोनों पर ना ही पड़े। हाँ बाकी, हमें कोई ना कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे दोनों का ध्यान भटका रहे। ध्यान भटकाए के खातिर हमारे पास एक और बात तो समझ में आ रही है। अगर उस इमली और रणविजय का माल जो बाहर से आवत है वो ट्रक का हम आजादगंज में घुसने ही नहीं दे और कुछ ऐसा टंटा खड़ा कर दे जिसे उन दोनों का ध्यान अपने माल की चिंता पर जाए और आप दोनों पर उनका ध्यान भी नहीं पड़े। नहीं पाखी, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम ऐसा कुछ करते तो सारा का सारा इल्जाम बस्ती वालों के सर पर आएगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे उन लोगों का ध्यान सूरज पे ना पड़े, वरना हमारे किए की सजा वो लोग सूरज को देंगे। हे भगवान, सूरज! चकोरिया, अरे का होएगा बचवा एकदम से? का हुआ भैया? मैं, सूरज ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर इमली और रणविजय के हाथ लग गया तो हमें छोड़ देने की सजा देंगे वो उसे। पता नहीं क्या कर रहे होंगे उसके साथ। Thank you.
सूरज, आखिर तुमरे और चकोर के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि वो इतनी आसानी से बचकर निकल गई? बताओ। तुम जानते हो ना सूरज कि तुमने आज कितनी बड़ी गलती की। पहली बार सूरज तुमने हमारा दिया हुआ आदेश पूरा नहीं किया है। क्यों? हमें सूरज, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया था कि तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया? बोलो। रुकिए, हमें पता है ये अपनी जबान कैसे खोलेगा। ये लीजिए और इसकी खाल तब तक उधेड़ी है जब तक ये नहीं बता देता कि इसने चकोर को जिंदा क्यों छोड़ा। हम तीन तक गिनेंगे सूरज, सिर्फ तीन तक। छाई छप्पा छाई, राजा को नींद आई, कुत्ता भौंका भौं भौं, राजा गया सो तीन। दोस्तों, बहुत अच्छी व्यवस्था की थी हमें ऊपर पहुंचाने की, पर वो कहते हैं ना, जिसको प्रभु राखे उसको कौन जाके। हमने तरकीब लगाई और हमारे हाथ में जो चीज पहले आई उससे हमने सूरज को मारा, लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। उसने हमें मारने की पूरी कोशिश की, पर इमली तू तो हमें जानती है, बचपन से ही हमारा मौत के साथ बहुत बड़ा नाता है। मौत के साथ आंख में चोली खिलना हमें कितना अच्छा लगता है। हमने सूरज का ध्यान भटकाया, उसे ईंटों से मारा, पत्थरों से मारा, इतना मारा कि हमने उसे अधमरी हालत में ला दिया। और फिर हमारा आखिरी वार हमने उसके सर पर किया, वो जमीन पर जा गिरा। और फिर तुम दोनों की काली करतूत नाकामयाब हो गई। हम अपनी धरती के लिए, अपने आजाद गंज की आजादी के लिए
सूरज को भी हानि पहुंचा सकते हैं। अरे हमने कमल नारायण जैसे राक्षस को नहीं छोड़ा, तो तुम दोनों तो बहुत छोटे मोटे अत्याचारी हो। तुम यहाँ पर सूरज कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कुछ भी कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तुम सच्चाई स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें स्वीकार करने में शर्म आ रही है क्या कि तुम एक लड़की से हार गए, हम तुम्हारे चंगुल से भाग निकले? एक नंबर की झूठी है ये इमली जी, मन खड़ंत कहानी बना रही और कुछ नहीं। चकोर, अरे हम तो इसे बचपन से जानते हैं रणविजय जी, खून का रिश्ता है हमारा, पता है रणविजय जी? बचपन में हम जन्म गुट्टी पीते थे और ये अमृत गुट्टी पीती थी। अरे मरने का नाम ही नहीं लेती थी, और जब भी मौत ने इसे गले लगाना चाहा, तब मौत को ही चकमा देकर भाग जाती थी। कर कहा है ना चको, हमेशा ऐसा नहीं हुई है। फिलहाल तो हमारे हाथ बंधे हुए, कहा है ना चुनाव हमारे सर पर है, मगर एक बार सच कह रहे चुनाव खत्म हो जाइए ना, तुम खुद अपने इन्हीं हाथों से हमारी प्यारी बहनिया का गला घोट के उनको मार डालेंगे। बाकी तब तक थोड़ी जितनी भी जिंदगी बची है ना चकोर, उसका जी ले दो। हम जी रहे हैं इमली, लेकिन तब तक के लिए तू एक काम कर, तू अभी मर जा। वो क्या है ना, ऐसे डर डर के जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं। मिली देवी जी का तो दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए वो चकोर की बातों में आ रही है, मगर हमारा दिमाग अभी भी तंदुरुस्त है, समझा? आज के बाद तुम्हारे और चकोर पे हमारी पूरी नजर रहेगी।